अजीज तुलबा तालिबात बीए बीएससी बीकॉम साल अव्वल के जबानी दुआ उर्दू में आप तमाम का खैर मकदम है। के इस लेक्चर में हम ज़बानी दुआ उर्दू का पहला यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला सबक अफसाने में हम पहला सबक पढ़ रहे थे, उसका नाम है शतरंज की बाजी। और इसके अफसाना निगार है मुंशी प्रेमचंद। आज का यह लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले इसमें कुछ याद दहानी कराते हुए अपने अफसाने को आगे लिख जाता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ज़बानी दुआ का निसाब किस तरीके से है, उसके पर्चे के नंबरात की तकसीम किस तरीके से है, और उसके बाद हमारे पास निसाब में कौन कौन से अजबा यूनिट 4 रखे हुए हैं और कौन कौन से, ये सब तफसीली हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए, इसमें हमने अफसाना शतरंज की बाजी शुरू कर चुके थे, और उसमें हमने मुंशी प्रेमचंद के तारुफ के साथ साथ शतरंज की बाजी का पहला जो पैराग्राफ है उस पर भी हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि नक्शा हमारे सामने पेश किया गया है लखनऊ का, और दौर है नवाब वाजिद अली शाह का। अब नवाब वाजिद अली शाह के ताल्लुक से मशहूर है कि उनका दौर ऐश व इशरत का दौर था, जहाँ पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ ऐश व इशरत में ही ज़िंदगी गुजारता था, और उनके जितने भी जो काम थे वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो मकसद था वो सिर्फ ऐश पसंदी ही था। तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ इस तरह से नक्शा खींचा था कि नवाब वाजिद अली शाह का दौर है और चारों तरफ अमीर गरीब हर कोई क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ महफिल सजी हुई है, और वो भी कैसी निशात वाली महफिल सजी हुई है, और हर कोई अपने औकात के हिसाब से अपनी हैसियत के मुताबिक ऐश कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया था कि क्या हो रहा है, तो कहा गया है कि भाई शेर व शायर वगैरह अदीब जो है वो अपने शायरी में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऐश व इशरत की ही बातें और उसका ही जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा तर्ज माशरत में, सनत व हिफत में, हर उम्र में, सियासत में, हर जगह क्या हो रहा है, सिर्फ ऐश व इशरत की ही बात हो रही है। उसके बाद हमने देखा था कि कारोबार वाले लोग भी, कारोबार में भी सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या हो रहा था उनका, कि ऐश व इशरत का सामान मुहैया कराना, यही उनका मकसद हो चुका था। जबकि फौजी भी लोग क्या कर रहे थे, महफवारी में पड़े थे मस्त, जिसकी वजह से वहाँ का निज़ाम क्या है धर्म भरम हो रहा था, और फौजी जो सलाहियतें हैं वो ख़त्म हो रही थी। फिर हमने यही देखा है कि तीतर बटेरों की इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुश्ती के मुकाबले हो रहे हैं, और लोग उसे इतनी बड़े शौक से देखकर अपने तफरी का सामान उस पर क्या हो रहे हैं, लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हर कोई क्या कर रहा है, इसी कामों में मशगूल है। फिर आती है बारी कि क्या है तफरी का एक सामान जो है वो है शतरंज। तो कहा गया है कि शतरंज एक ऐसा खेल है जिसको